नमस्कार राति दस बुलेटिन को आपन को स्वागत। आज दिन दस टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा, किंतु प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। बीजेपी रे जोग देले ममता महंत, बीजेडी राज्यसभा सदस्यता छाड़िबार 24 घंटा भितरे पद्म शिविर को डेइले बीजेडी समालोचना। व्यक्तिगत फायदा पई कुर्मी समाज को देले धोखा, समीक्षक कहिले आगोकु बीजेडी पई आह्वान। ममतांक इस्तफा परे राज्यसभा समीकरण को नहीं चर्चा, भोट हेले राज्यसभा सीट जितिब बीजेपी। टिकेट रेस रे राज्य सभापति मनमोहन सामल सरप्राइज दे पारंती केंद्रीय नेतृत्व। समीर दिलीप और विश्वेश्वरों ना को नहीं मध्य चर्चा। केबे राज्य कांग्रेस को मिले मुखिया, दिल्ली में विलंब हो पीसीसी सभापति चयन प्रक्रिया। खड़गे और सोनिया को चिठी लिखि उद्वेग जनइले जयदेव, नेता आशा उपकूल नेता हेले भल। खोल कि सांबादिका मधुमिता आत्महत्यार रहस्य, पुलिस को बड़ सुराग। भड़ा घर मिलला डायरी रे सुइसाइड नोट, दुईटी डायरी जबत। सेपटे स्वामी श्रीधरों प्रतिक्रिया, पूर्व बहित तो बोली जाणी मधुमिता और पर कहीं आत्महत्या कले जाणिना। स्त्री हत्याकारी को फाँसी, ऐतिहासिक राय दे भुवनेश्वर एडीजे दुई कोर्ट। हत्याकारी स्वामी संजीत दास को फाँसी दंडादेश, 15 जनों साक्ष्यों बयान सहित विभिन्न प्रमाण आधार में दंडविधान। 2022 भरतपुर थाना घाटिकिया घटी जघन्य हत्याकांड। घूर्णिमला प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी, कटक और जलेश्वर में कृत्रिम बन्या स्थिति। आसंता 24 घंटा में 5 जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट। विशेषज्ञ कहले 7 तारीख में आसीपे आउ एक घूर्णिबलय। सेपटे केरल में प्रकृतिर कोप, वायनाड भूस्खलन में मृत्यु संख्या टपिला 280, एवं भी 200 अधिक निखोज। अस्थायी सेतु जरिया चली रेस्क्यू ऑपरेशन। सर्वदलीय बैठक में सहयोग लोड़े मुख्यमंत्री पिनराय विजयन, प्रभावितों भेट समबेदना जनइले राहुल गांधी। सेपरि उत्तर भारत में जल प्रलय, हिमाचल में बादल फटा वर्षा, मंडी रामपुर और कुल्लू में व्यापक क्षयति, 3 मृत 50 निखोज। केदारनाथ में अचानक बनार फसिले 200 श्रद्धालु, जयपुर में बिल्डिंग बेसमेंट में पानी पशि 3 मृत। सेपटे लगाण वर्षा बेहाल है पूरा दिल्ली। संरक्षण को नहीं सुप्रीमकोर्ट बड़ राय, कोटा भितर कोटा को सर्वोच्च अदालत का अनुमोदन। संरक्षण में पछुआ वर्ग को अधिक लाभ देवा खंडपीठ गुरुत्व, उपवर्गीकरण आधार में सठिक निष्पत्ति ने राज्य सरकार। पेरिस ओलंपिक्स रे भारत को तृतीय पदक मिली, पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन ब्रोंज जीतिले स्वप्निल कुसाले। प्रथम पदार्पण में बड़ सफलता, परिवार खुशी लहरी। सेपटे बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनाल लक्ष्य सेन। आरंभ करिबा संपूर्ण खबर को, जहां अनुमान करा जाउथिला आज से ही हेला, जहां चर्चा होउथिला तहां ही हेला। ओडिसा रे नुहे नुवा दिल्ली रे हेला। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में विधिवत भाव में पद्म धरिछंती ममता महंत। बीजेपी वरिष्ठ नेता अरुण सिंह और बीजेपी राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार और राज्य अनेक बीजेपी सांसद को उपस्थित रे जोग देइछंती ममता। बीजेपी जोग दे ममता कहिछंती बीजेडी तांकु आवश्यक करू नाही बोली से अनुभव करिछंती, आ सेथिपाई से दलरु इस्तफा देइछंती। गतकाली हठात समस्त को चमकाई बीजेडी रु ममता तुटाई राज्यसभा सदस्य पदरु इस्तफा देइथिले ममता। बड़ कथा हूँ तांकर कार्यकाल आहुरी 1.5 वर्ष उपरे थिला, एहा परे बीजेडी रो प्राथमिक सदस्य पदवी छाड़ी। एहा परे चर्चा होता कि बीजेपी जोग देउछंती ममता, तेबे ममता बीजेपी जोग देउ देउ तुरंत बीजेडी एक सांबादिक सम्मेलन डाकी ममता और बीजेपी को टार्गेट करिछि। बीजेडी नेत्री सरोजिनी हेम्ब्रम और मुखपात्र लेनिन महांती कहिछंती कि नवीन बाबू तांकु कुर्मी समाज नेत्री करिथिले एवं एहा द्वारा से कुर्मी समाज को धोखा देइछंती। व्यक्तिगत फायदा पाई ममता एपरी करिथिबा बीजेडी अभियोग करिछि। किछि दिन हला बिजु जनता दल रे मोर आवश्यकता लोडा पड़ुनी, सेति पाई मु लोकंक सेवा करि पाई करबा पाई जेहेतु मोर लक्ष्य अधिक रु अधिक सेवा करिवि बोली मु मने कली। बड़े परिवार में आई है, राज्यसभा के सदस्य थी, अभी राज्यसभा से इस्तीफा दे करके आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो विचार परिवार है उसके विचारधारा को आप अपनाते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आपने ज्वाइन किया है। बीजेडी रो क्षति बीजेपी रो लाभ, ममता को इस्तीफा पर आरंभ हुई राज्यसभा रेस।
कार्यकाल पूरीबार 21 मास आगरु ममता महंत सांसद पद एवं दलरु इस्तफा दे बीजेडी को सख्त धक्का देछंती। संख्या दृष्टि एवं राज्यसभा निर्वाचन हेले बीजेपी प्रार्थी जितिबा निश्चित, कारण नियम अनुसार राज्यसभा चयन पर राज्यर गोटे सीट पर प्राय 74 जन विधायकों समर्थन दरकार। यह परिप्रेक्षी में बीजेपी एवं 78 जन विधायक थे, 3 जन स्वाधीन विधायकों समर्थन रही, एणु संख्या दृष्टि खाली पड़ा राज्यसभा आसन में निर्वाचन हेले बीजेपी अति सुविधे बाजी मार। तेरे किए हे राज्यसभा बीजेपी पसंद, 4 नेता ना ए चर्चार सबुठ आगे रही। यह भितर राज्यसभा रेस आगे रही राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। राज्य में बीजेपी सरकार गठन में बड़ भूमिका रही मनमोहन, तेणु यह केन्द्रीय नेतृत्व पुरस्कार स्वरूप राज्यसभा सांसद करपारती चर्चा होपरी। राज्य बीजेपी पूर्वतन सभापति समीर महांति, वरिष्ठ नेता दिलीप राय और पूर्वतन केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडुं नाम चर्चा रही। विश्वेश्वर कहते दल जहां दायित्व देवे करी, तेरे ममता इस्तफा पर बीजेडी बैकफुट को आसी। राज्यसभा बीजेडी सदस्यों संख्या 8 हो बीजेपी हाथ को यह आसन गले ओडिशा दलर राज्यसभा सांसद संख्या 2 हो। एमपी भी लड़ेनि, एमएलए भी लड़ेनि, तापर भी पार्टी मते जहाँ दायित्व देला मु पूरा निष्ठार सहित समस्त मीडिया भी देखुला मु विभिन्न जगह स्टार प्रचारक होकर काम करूली। जो कथा मु पुनी रिपीट करिया को चाहूँची, नेशन फास्ट देन पार्टी देन सेल्फ, तेणु एक क्रम भारतीय जनता पार्टी जितेबाड़ जहाँ निर्णय करा फाइनाल। किए हे राज्य कांग्रेस मुखिया, साधारण निर्वाचन में दलर प्रदर्शन को देखी पूरा पीसीसी को भांगी देखते कांग्रेस हाइकमान, हेले एपर्यंत नुआ पीसी सभापति बछा हो पारती। पीसीसी सभापति बछार विलंब होता बेले दिल्ली में कसरत सहित चली नेता लबी। यह भितर शीघ्र पीसीसी सभापति चयन पर खड़गे और सोनिया गांधी को चिठी लिखिंट जयदेव जेना। दक्षिण उत्तर ना उपकूल पीसीसी सभापति बछाजा को नहीं लगि रही सस्पेन्स। पीसीसी सभापति रेस दक्षिण ओडार अच्छा भक्तचरण दास, सप्तगिरी उलाका और विजय पट्टनायक। उत्तर उपकूल नेता भितर आग्रह रही मोहम्मद मुकिम, श्रीकांत जेना और प्रसाद हरिचंदन। जदिओ पीसी सभापति दौड़ में यह 6 नेता अच्छा, तेरे मुकिम, श्रीकांत और सप्तगिरी ना को नहीं अधिक चर्चा चली। कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम कहते ग्राउंड में लोकप्रिय नेता पीसीसी सभापति सबु दृष्टि ग्रहणीय हे। जुलाई 21 रु पीसीसी कमिटी भंगा जा। अनुरोध करी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटर हाइकमांड को जे तुरंत जहाँ को से भावुंट दक्षतार सहित योग्यतार सहित लड़ई को सामना करी इस्यू को नहीं कि लड़े कर पारे लड़े कर लोक को दायित्व दे गाँ स्तर पंचायत रु ब्लॉक स्तर संगठन जिलारु आ पीसीसी रु सुसंगठित केमती हो पार से लोक मो बाबूची खूब कम दिन भितरे केंद्र सरकार केन्द्र आम एआईसीसी निष्पत्ति नौचंती। रामचंद्र कडाम जी अच्छा आउ से पूरा रिप्रेजेंट करुछंती आमर साउथ पार्ट को कोरापुट को समस्त को रिप्रेजेंट करुछंती। तो सही भली भाव आम आशा करिबु कि गोटे भल टाणुआ नेता आग को आसु जे कि समस्त को सांगरे नेके आग को बढ़ी पारे। सांबादिका सुइसाइड सस्पेंस, सांबादिका मधुमिता आत्महत्यार कारण को नहीं एबे भी जारी रही सस्पेंस। कहीं मधुमिता आत्महत्या कले कि प्रकार मानसिक चापरे थिले मधुमिता। मधुमिता स्वामी श्रीधर जेना रिमांड आनी भड़ा घरे छानभिन करिछि पुलिस। आउ ए समय पुलिस हाथ में लगी बड़ सुराग। मधुमिता दुईट डायरी मिलवा सहित एक सुइसाइड नोट जबत हो। सुइसाइड नोट रु मिलपे आत्महत्यार सुराग। भड़ा घरे जांच बेले पुलिस श्रीधरों ठारू सबु तथ्य संग्रह करिछि। तदंत अधिकारी कहते कि श्रीधर मोबाइल फोन रु मिलिथिबा तथ्य आधार में अभियुक्त को रिमांड रे अणा जाइछि। श्रीधर मोबाइल फोन रु एपर्यंत सबु तथ्य सामना को आसी नाहीं। राज्य फोरेंसिक लैब को पठाइथिबा मोबाइल रो सीडीआर तथ्य मंगा जाइछि। रिपोर्ट आसिबा परे श्रीधर केउमानंक सहित कथा हेउथिले ताहा स्पष्ट होइ पारिबो। सेपरि मधुमिता मृत्यु खबर पाइबा परे व्हाट्सएप चैट डिलीट करथिला अभियुक्त। डिलीट चार्ट को रिकवरी पाई फोरेंसिक को मोबाइल पठा जाइछि। सेपटे अभियुक्त श्रीधर मध्य आज प्रतिक्रिया रखिछि। से कहिछि मधुमिता को से कौन से मानसिक चाप देउ नथिले
कि ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବି ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ବୋଲି ମଧୁମିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସିଡିସିଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ, ଡିସିଜିଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ନୋଟ୍ଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ। ତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ନୋଟ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମ୍ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟାକି ସେ ନିଜେ ଲେଖିକି ଯୋଉ ଫଟୋ ସ୍ନାପ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ। स्त्री हत्याकारी फासी टंका नदेबारु स्त्री को विभत्स हत्या घटनार ऐतिहासिक राय देले भुवनेश्वर एडीजे दुई कोर्ट। हत्याकारी स्वामी संजीत दास को फासी दंडादेश शुणाई कोर्ट। 15 जन साक्षीों बयान, साइंटिफिक टीम रो प्रमाण व एक्सपर्ट को प्रमाण को आधार करी कोर्ट अभियुक्त को फांसी दंड से दंडित करी। घटना घटी 2022 जून 9 तारीख में भरतपुर थाना घाटिकिया घटी हत्याकांड। घटना दिन निशा खाइबा को स्त्री सरस्वती को टंका मागिथिला स्वामी संजीत दास। टंका न देबारु स्वामी स्त्री झगड़ा होता जेउथरे राति 3टा समय रे भयंकर उभयंक मध्यरे भीषण झगड़ा होइतिला ओ संजीत एथरे रागी जाई एक परिवा कटा छुरी रे पत्नी सरस्वती को बारंबार आक्रमण करथिले, फलरे सरस्वती मृत्यु घटीथिला। तेबे सरस्वती बड़ झियो 5 वर्षीय परी मध्य राकेश बापार क्रोधरु बर्ती पारि नथिला। मांकर मृतदेह देखि कांदिबारु परीर बेको को छुरी रे काटि देथिला संजीत। छुरी आक्रमण में गुरुतर हो 5 दिन पूर्वे जन्म होता सान भौणी को बापा कबल रक्षा करी। तेरे संजीत यह लोमहर्षणकारी हत्याकांड जेरा बेले पुलिस आगे सत मानिता निजे ही निज पत्नी को हत्या करने सहित बड़ झीर गला काटि स्वीकार कर। 30 तारीख दिन उक्त घटनार राय प्रकाश पाई से अभियुक्त दोषी प्रमाणित कर आज दंडविधान कर एवं आज दंड एक जघन्य हत्याकांड रूप ग्रहण कर 302 दफार फांसी दंडादेश मृत्युदंडादेश 307 दफार आजीवन 326 दफार आजीवन एवं 324 दफार 3 वर्ष दंडित कर। काली 6 जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही से सब जिला हूँ संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर। लगाण वर्षा बेहाल कटक सहर अस्तव्यस्त जनजीवन गली ठारु मुख्य रास्ता सबुआड़े पा जल निष्कासन ठिक सीएमसी अवहेला को दायी करिछंति लोके। मेयर कहते समस्या अच्छे किंतु संकटजनक स्थिति ना वर्षा जल निष्कासन 280 रु ऊर्ध मोटर पंप जोगे जल निष्कासन कर। घूर्णिबलय सह सक्रिय मौसुमी प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा लागि रही जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ता बेले यातायात में अनेक समस्या उपजुच्छे। सहर विभिन्न स्थान में जलबंदी स्थिति उपजुच्छे एपरिकी लिंक रोड बादामबाड़ी रास्तार भी पा जमी रही पट्टापोल मखरबाड़ग साही काजी बजार चांदीचौक आदि अंचल में लोके नाना असुविधा सामना करते वर्षा जल जमी रहा फल स्कूल जावाठू आरंभ कर अफिस् जाबे समस्या सृष्टि होता। उत्तराखंड में प्रबल वर्षा जो भूस्खलन केदारनाथ में फसिले शताधिक यात्री गतकाल रात भूस्खलन होता आसी तीर्थयात्री उद्धार कर एसडीआरएफ टीम सोनप्रयाग और भीमबाली में बहु संख्यार तीर्थयात्री फसी रही। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा वर्षा मंडी सामना को आसला भयंकर दृश्य चाहू चाहू पड़गला बड़ मार्केट बिल्डिंग क्यमेरा सारे कैद होगा भांगिज दृश्य प्रबल वर्षा तौक पड़गला बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा वर्षा जनकर मृत्यु होता सूचना रामपुर झांकड़ी में बादल फटा वर्षा शिमला 100 किलोमीटर दूर रामपुर होता वर्षा हठात बनिया आसवर 50 जन रिपो निखोज। मंडी में भी बादल फटा वर्षा मंडी में 8 जन लोक निखोज अच्छा एपर्यंत 2 जन लोक प्राण हर घटनास्थल को गले उद्धारकारी टीम विभिन्न स्थान में रास्ता अवरोध हो। विपद संकेत उपर विभिन्न नदी जलस्तर समग्र उत्तर भारत में लगाण वर्षा जारी रही विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा परिस्थिति जटिल हो पड़ी।
केरल भूस्खलन में बढ़ी चली मृत्यु संख्या एपर्यंत 276 जन जीवन गला मृत्यु संख्या 300 टपिवा नहीं अनुमान माटी तले जीवन खोजुची मणिष आखुरी बहु लोक माटी अतड़ा तले फसीता आशंका एनडीआरएफ उद्धार कार्य सामिल होती तीन सेना अत्याधुनिक जंत्रपाति जरिया जीवन को बाजी लगाए उद्धार कार्य जोरदार करिछंती सेना अधिकारी रास्ता नहीं जो कि घर थिला सेठारे वर्तमान 5-10 फुट उच्चरे कादुओ पत्थर जमी जाइछि केउटी घर थिला केउटी लोक रहुथिले अस्तित्व खोजिबा मुश्किल आउ एभली स्थिति रे जीवन को पानी छोड़ाई जवान लोकंक निकट रे भंजुछथि फसी रही प्राय 1000 अधिक लोक उद्धार करसारी केउटी मानव श्रृंखल में लोकं रसी जरिया हाथ धरी उद्धार करुछंती जवान माने दिने दुई दिन भितर उद्धार कार्य आहरी चली पारे केरल मुख्यमंत्री पिनराय विजयन स्थिति समीक्षा कर सरकार मंत्री ग्राउंड में रही उद्धार कार्यर तदारख कर राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्वतंत्र कंट्रोल रूम खोल अस्थायी शिविर में प्रभावित सुखिला रंध्या खाद्य दि जाऊँ स्वतंत्र ब्रेक पर स्वागत राज्य में लघुचाप जनित वर्षा जारी रही वर्षा पर नदी ना नुहे बरम रास्ता घाट में बन्या केउठी रास्तार कृत्रिम बन्या सृष्टि होई तो आउठी घर भितर पशिच पानी कटक बालेश्वर मयूरभंज कंधमाल सबुठी लागि रही है स्थित बालेश्वर विभिन्न स्थान में कृत्रिम बन्या रास्ताघाट बुड़ा सहित लोकों घर पशिच पानी विपन्न मानक सुरक्षित स्थान को निजाई खावा पीबार व्यवस्था कर प्रशासन लगान वर्षा जो कटक सहर में जलबंदी समस्या सृष्टि कंधमाल वर्षा जो जनजीवन हो बाधाप्राप्त वर्षा सांग को पवन होटगड़ अंचल कि गाँव में कचा घर भांगि बड़ बड़ गुपुड़ी पड़ी सेपटे पानीपाग विभाग कही झारखंड छत्तीसगढ़ उपर सृष्टि घूर्णिवलय गांगेय पश्चिमबंग स्थलभाग सक्रिय रही यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में मेघुआ पाग सांग को वर्षा जारी रही स्थित 3 तारीख पर्यंत बलवत्तर रहिब बालेश्वर ठीक वर्षा होती जिलार आवरेज रेनफल आज जहाँ अच्छे 11 mm अच्छे जल का 6.3 थिला एबे रिसीट करू छी लोकों को इवाकुएट करके गला के रखा है छी त खाया भी दिया हो पानी हो छी फुटे 1.5 फुट 2 फुट पंद पानी भी हो छी विभिन्न जगह रे घंटे 1.5 घंटा भितर सब क्लियर बादामबाड़ी मेन बस स्टैंड टा जोड़े देखुचंती मेन रोड जाकु आमे लिंक रोड कहू सेठी वर्षा हेले रक्सी होटल सामना जो अपोजिट रोड टा भी अच्छे से ड्रेन फेन टे समस्या अच्छे तार गोटे प्रतिकार पाई आम योजना अच्छा 2 तारीख को जो है हमारे उड़ीसा में जो सुंदरगढ़ केन्दर मयूरभंज बालेश्वर झारसुगुड़ा देवगढ़ भद्रक जाजपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो ज्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और बाकी रेस्ट उड़ीसा जो है वहाँ कुछ अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे 2 यानी 2 तारीख को भी हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उनमें जो डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केन्दर देवगढ़ संबलपुर और बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 24 घंटा भितर घूर्णिवलय नेब लघुचापर रूप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा लागि रही किछि स्थान में कृत्रिम बन्या स्थिति सृष्टि होइछि बालेश्वर जलेश्वर एवं कटक्रे घरे पानी पशिछि आंचलिक पानीपा केन्द्र कहिछि आसंता 24 घंटा सुंदरगढ़ अनुगुल देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही पानीपा विशेषज्ञ कहते 7 बेलू आउ एक घूर्णिवलय सृष्टि होइपारे We have been here in support of the Kerala government and the people of Wayanad since 30th morning. So far we have recovered almost 100 plus bodies. Overall the body count is much more. In addition we have helped rescue a number of people from the trapped areas. We have also inducted almost 500 soldiers into this. This is in addition to the Air Force, Navy and other components of the forces that are here. We as of now are on the 3rd day of the operation which we have launched. Almost all people who are trapped and needed rescue have been rescued. Now we need to get into the houses and see if there are any people who are trapped inside the houses whom we cannot find. प्रकृति जेतिकी सुंदर सेतिकी भयानक से केरल हेउ कि केदारनाथ सबुठू आसुची विभीषिकार चित्र
କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅତଡ଼ା ଖସି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ଲୋକେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଫଳରେ ମଣ୍ଡି ରାମପୁର ଓ କୁଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 200 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। एफ की तकरीबन 14 टीमें ऑलरेडी तैनात हैं हिमाचल में। ये जो घटना कल रात की हुई है, तकरीबन 6 इंसिडेंट्स हुए हैं जो कुल्लू मंडी और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। इसमें 3 क्लाउड बस के इंसिडेंट्स हैं और एक फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट शामिल है। इसको देखते हुए आज अर्ली मॉर्निंग में ही हमारी टीम जो है 2 टीमें तैनात की गई हैं मंडी के लिए। इसके अलावा सिचुएशन को देखते हुए एयरलिफ्ट की भी एक रिक्वेशन दिया गया है और एक टीम हमारी एयरलिफ्ट करके वहां पर पहुंचाई जाएगी। कुल्लू में कार्रवाई की गई है, वहां भी हमारी एक टीम गई है, वहां पर कुछ रेस्क्यू किया गया है। यहां अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। एसटीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई है। माल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। एससी एसटी वर्ग रे आहुरी एमिति श्रेणीर लोक अछंती जे माने संरक्षणर लाभ उठाई पारु नाहंती। वर्ष वर्ष धरी एमाने उत्पीड़नर शिकार हेउछंती। एबे सेमानक कथा चिंता करछंती सुप्रीम कोर्ट। संरक्षण को नहीं सुप्रीम कोर्ट बड़ राय देछंती। कोटा भितरे कोटा को अनुमोदन देछंती सुप्रीम कोर्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण में उपवर्गीकरण को कोटा भितर कोटा कहा जाए। एससी एसटी वर्ग में अधिक पछुआ वर्गर लोकों पर पृथक कोटा दि जाए बोली सुप्रीम कोर्ट कहते। प्रधान विचारपति जस्टिस डी वाई चंद्रचूड अध्यक्षत गठित खंडपीठ यह निष्पत्ति। सर्वोच्च अदालत खंडपीठ कहते एससी एसटी भितर स्वच्छल वर्ग को बाद दिजा जरूरी, एथपाई राज्य सरकार स्वतंत्र पॉलिसी आणवे। तेबे एससी एसटी को नहीं ये बड़ राय देछंती सुप्रीम कोर्ट। एससी एसटी वर्ग में आहुरी एमिति श्रेणीर लोक अछंती कि जो माने संरक्षणर लाभ दीर्घ दिन धरी उठाई पारु नाहंती। वर्ष वर्ष धरी एमाने उत्पीड़नर शिकार होउछंती। जदिओ सेमाने एससी एसटी अंतर्भुक्त बा श्रेणीभुक्त किंतु तथापि उपवर्गीकरण अर्थात सेमाने अलगा श्रेणीर अलगा वर्गर होइथिबारु सेमाने संरक्षणर लाभ पाइपारु नाहंती। एबे सुप्रीम कोर्ट ए प्रसंगे एक गुरुत्वपूर्ण राय देछंती। कोटा भितर कोटा को अनुमोदन देछंती सुप्रीम कोर्ट। अर्थात एससी एसटी भितर जो वंचित श्रेणी रही जाउछंती जो माने संरक्षणर लाभ पाउनाहंती सेमानुकु वर्तमान अन्य एक कोटारे संरक्षण दिया जाय पारिबो बोली सुप्रीम कोर्ट ए राय सुनाइछंती। कारण अनेक एससी एसटी वर्गर लोक माने रहिछंती जो माने स्वच्छल वर्गर रहउछंती अर्थात सेमाने स्वच्छल अछंती आर्थिक भाव रे एवं सामाजिक क्षेत्र रे। तेणु से ही क्षेत्र में जो माने वंचित होती एससी एसटी वर्गर से केमती संरक्षण सुविधा मिल पार जहाँ आक्टर मूल लक्ष्य से नहीं सुप्रीम कोर्ट किसी प्रावधान आ सुप्रीम कोर्ट ये गुरुत्वपूर्ण राय सुनाई कोटा भितर कोटा को अनुमति एथर मिल। ये एक 7 जज बेंच का डिसीजन था जो आज आया है। इसमें 6 जजेज ने अपना ओपिनियन दिया है मतलब और एक उसमें डिसेंटिंग रहा है। और इसमें मेन इश्यू जो मैटर में था वो ये था कि पंजाब में एक एक्ट बनाया गया था जिसमें एससी एसटी कैटेगरी में एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्लासिफिकेशन करके एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन कोटा दिया गया था जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस समय पे स्टक डाउन कर दिया था। उसकी वैलिडिटी चैलेंज थी, मेन कोर इश्यू ये था, बाकी और भी चीजें थी। तो आज मेन जो निकल के आया उसमें यही निकल के आया कि अगर एससी एसटी कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन किया जाता है रिजर्वेशन के पर्पज से तो वहां कहीं ना कहीं एम्पेरिकल डाटा बहुत जरूरी है। डाटा होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर कोई कास्ट ग्रुप है तो उसकी बैकवर्डनेस कितनी है, उस पर डाटा साइंटिफिक वे में जुटाया जाए ना कि उसे
हम ये कहें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई और वो कहे और उसका सब क्लासिफिकेशन कर दे, मतलब जो भी हो वो ग्राउंड रियलिटीज हो, ग्राउंड रियलिटीज के आधार पे, एक डाटा के आधार पे चीजें की जाएं। और मेन इसमें यही है, और बाकी जो इसकी टेक्निकलिटीज हैं, डिटेल्स हैं, वो जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको आगे। पेरिस ओलंपिक्स रे भारत को तृतीय पदक, स्वप्निल कुसाले हाथेइछंती ब्रोंज पदक। मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन इवेंट रे ब्रोंज पदक पाइछंती स्वप्निल। 451.4 पॉइंट सहित पदक जीते स्वप्निल निजर स्वप्न साकार करछंती। इवेंट रे चीन को स्वर्ण एवं युक्रेन को रौप्य पदक मिलिछि। भारत पाई समस्त तीनोटी पदक सुटिंग रु आसिछि। प्रथम पदक जीतिथिले मनु भाकर, 10 मीटर एयर पिस्तल इवेंट रे जीतिथिले ब्रोंज। या परे 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स रे पदक जीतिथिले मनु भाकर एवं सौरभजोत सिंह। आउ एबे निजर प्रथम ओलंपिक्स पदार्पण रे कमाल करिछंती महाराष्ट्रर 29 वर्षीय स्वप्निल। सेपटे बैडमिंटन प्री क्वार्टर फाइनाल प्रवेश करिछंती लक्ष्य सेन, 21-12, 21-6 सेट्रे विजयी होइछंती लक्ष्य सेन। बैडमिंटन मध्य पदक आशा उज्जीवित होइछि, बैडमिंटन रु निश्चित पदक आशा करा जाउछि एवं अन्य इवेंट रु मध्य भारतीय प्रतियोगींक ठारु अन्य पदक मध्य आशा करा जाउछि। एथलेटिक मध्य एथलेट पर्याय मध्य आरंभ होइ सारिछि, तेणु एही पर्याय रे मध्य अनेक खेलाड़ी अनेक प्रतियोगी भारत पई पदक आनीदेवे। किंतु तार भितर एक खुशी खबर आसीथिला जेतेबेले तृतीय पदक सही शूटिंग रु आसीथिला। प्रथमे मनु भाकर जीतिथिले, पुणी द्वितीय थर पई मनु भाकर ओ सौरभजोत सिंहर मिक्स डबल्स जीतिथिला सही शूटिंग रे पदक ब्रोंज पदक एवं तृतीय पदक भाबरे ब्रोंज पदक मिलिछि एवं सही शूटिंग इवेंट रे ही तृतीय पदक आनीदेइछंती स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन इवेंट रे ब्रोंज पदक हाथेइछंती। 451.4 पॉइंट सहित पदक जीति स्वप्निल निजर स्वप्न साकार करिछंती। इवेंट रे चीन को स्वर्ण और युक्रेन को रौप्य पदक मिलिछी।